दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैसे आप अपना पता करेंगे कि आप इस साल एलिजिबल हैं या नहीं है? कैसे आप पता करेंगे कि हम इस साल जो फॉर्म भरे हैं, मेरी एलिजिबिलिटी पक्की है या नहीं है? इसके लिए इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ एक लिंक दिया है जिसका नाम है डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज एलिजिबल नॉन एलिजिबल लिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि कौन से बच्चे हैं जो इस साल एडमिशन के लिए एलिजिबल है, कौन से नहीं है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, फटाफट देखते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस में ये पूरा कोर्सेज है और यहाँ लिस्ट है। अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर इसमें मास्टर कोर्सेज हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। इसके मतलब क्या है कि जितनी भी कोर्सेज जो कि डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज है, अब आप पूछेंगे कि डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज कौन सा है और नॉन डिपार्टमेंटल कौन सा है। तो देखिए, जो सेंट्रलाइज लेवल पे टेस्ट होते हैं उसका नाम है जनरल टेस्ट, मतलब सिंपली टेस्ट है। और जो डिपार्टमेंट लेता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गया, ये सब खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, यानी खुद मैनेज करते हैं। बाकी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन तो ओवरऑल देखते ही हैं, बाकी डिपार्टमेंटल वाइज टेस्ट होता है। अब ये जो चीज़ें हैं इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना है। जामिया में ये सब चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अलीगढ़ में अभी भी पुराना टाइप का सिस्टम चल रहा है। और फॉर्म भी भरेंगे तो उसमें लगेगा कितना बार चीज़ें करते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ साइन करवाते हैं। तो अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीखने की ज़रूरत है जामिया से। जामिया में बहुत ही सारी चीज़ें सिंपल है और वो भी जामिया जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अच्छा रैंक है। तो ये डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्स बना के बच्चों को कंफ्यूज कर दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से एलिजिबल हैं, कौन कौन से एलिजिबल नहीं है। तो जिसमें एलिजिबल यस लिखा है वो एलिजिबल है, जिसमें नो लिखा है वो नहीं है। तो देखिए कुछ कोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए ये है डेटा साइंस है, MSc डेटा साइंस है। इसमें यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं मरियम, इनका यहाँ लिखा है एलिजिबल नो। अब क्यों नो लिखा है? क्योंकि इन्होंने MCA होल्ड किया है, जो कि मैट्रिक्स का वायलेशन है, जो कोर्स का मैट्रिक्स है जो प्रोस्पेक्टस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मरियम जी एलिजिबल नहीं है, तो इनका टेस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए इन्होंने पहले लिस्ट जारी कर दिया है। ज्यादातर बच्चे एलिजिबल है, यहां पे देख सकते हैं सैयद मोहम्मद सुहेब, इनका भी मैट्रिक्स वायलेशन है, ऑलरेडी हैविंग MSc फिजिक्स, इनके पास ऑलरेडी MSc फिजिक्स है, इसलिए इसमें मतलब मास्टर डेटा साइंस में एडमिशन नहीं ले सकते। तो एडमिशन का मैट्रिक्स है, यहां देखिए एहतसाम अहमद खान, इनका भी नो है, मतलब ये भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स नॉट स्टडी। मैथ स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए किसमें पढ़ने के लिए? MSc डेटा साइंस में पढ़ने के लिए स्टैटिस्टिक्स भी होना चाहिए। तो MSc डेटा साइंस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कौन बच्चे एलिजिबल है कौन नहीं, उसी तरह आप अपना कोर्स देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जितनी भी डिपार्टमेंटल टेस्ट टाइप का कोर्स है सबका अभी लिस्ट धीरे धीरे आएगा, कौन से लोग एलिजिबल है नहीं है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ एलिजिबल नॉट एलिजिबल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कि अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दीजिए, उनको पता चल जाएगा कि आपका किसमें दिक्कत है। इन्होंने साफ साफ ये भी लिख दिया है कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मेरा एलिजिबिलिटी क्यों नहीं है। इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्क्रूटनी प्लीज कॉन्टैक्ट द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन कंसर्न ऑफ द डिटेल्स, यानी डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उसके जो चेयरमैन है उनसे पूछना पड़ेगा कि मेरा एलिजिबिलिटी क्यों नहीं है। तो सारा डिटेल दे रखा है, मैं आपके हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अभी भी नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अपडेट आपको AMU का मिलता रहेगा। जय हिंद, जय AMU।